60 हॉर्स पावर का इलेक्ट्रिक मोटर है जिसमें एलिवेटर मतलब लिफ्ट को ही बोलते हैं, जिसको मैक्सिमम लोड पिक करना है 2000 kg। तो क्वेश्चन है कि अगर फ्रिक्शनल फोर्स जो है, क्योंकि लिफ्ट के साइडों में ना थोड़ा स्टैंड सा भी बना होता है, रेलिंग होती है जिसमें फिर लिफ्ट स्मूथ चलती है, नो डाउट बॉल बीरिंग वगैरह लगे होते हैं ताकि लिफ्ट जो है वो एग्जैक्टली वर्टिकल जाए, इधर उधर ना हिले। तो उसके लिए ना साइड पे चैनल लगे होते हैं बेटा चारों तरफ, ताकि लिफ्ट इसके अंदर अंदर ही मूव करे। तो इसको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो मिलता है वो 4000 न्यूटन है। फ्रिक्शन ऑब्वियस है, अगर लिफ्ट को ऊपर को खींचेंगे तो फ्रिक्शन ने मोशन को अपोज करना है, तो फ्रिक्शन का फोर्स होगा डाउनवर्ड्स, एफ आर लिख लेते हैं उसको। तो ये फोर्स आपको दिया है 4000 न्यूटन। इसके अलावा हमने जो इसकी लोड कैपेसिटी है, इसका लिफ्ट का जो टोटल मास है ना वो 2000 kg है, लेकिन वो तो मास है ना 2000 kg। तो नीचे को जो फोर्स है वो होता है mg ड्यू टू वेट। तो इस वेक्टर को हम 2000 × g लिखेंगे। तीसरा फोर्स ऑब्वियस है जो कैप केबल में टेंशन होगा ना, टी। तीसरा फोर्स टी है अपवर्ड्स, बोला था मैंने बार बार टेंशन ऑलवेज पुल्स। तो क्वेश्चन है कि लिफ्ट जो है वो कितनी स्पीड से फुल लोड पे जाएगी। तो फुल लोड पे बेटा इसका वेट होगा 2000 × g। फ्रिक्शन तो साइडों से ही मिलनी है, वो 4000 न्यूटन है। तो दो फोर्स है नीचे को और एक फोर्स है टी अपवर्ड्स। क्वेश्चन इसी साल बिल्कुल ताजा ताजा है, फ्रेश जनवरी में आया है, और जो सेकंड जेई मेन का अटेम्प्ट होता है, दो चांस मिलते हैं, एक जैन में मिलना था और एक मिलना था अप्रैल में। तो अप्रैल वाला चांस जो है वो तो अभी अनसर्टेन है कि उसका पेपर कब होना है। बच्चे हमारे जो ना इस साल के हैं वो कंफ्यूज्ड है कि पेपर होना भी है कि नहीं होना है, उनको पता ही नहीं कब होना है। तो तैयारी करने को आप जानते हैं मन नहीं करता। अभी जैसे आपको पता है, आपको मैंने एक मैसेज भेज दिया है टेस्ट का फ्राइडे का, है ना? तो आपको तो कंफर्म है कि फ्राइडे को टेस्ट होना ही होना है, तो आप उसके हिसाब से तैयारी करो। अगर मैं बोल दूंगा कि बेटा समवेयर इन अगस्त मंथ टेस्ट होगा तो आप पढ़ेंगे नहीं बेटा। तो वही हालत उनकी है बेचारों की, जो अभी प्लस टू में जस्ट अपीयर हुए हैं, उनका एक अटेम्प्ट तो हो गया, ये उसी का क्वेश्चन है 2020 का जैन मंथ का, बट उनको बेचारों को भी पता ही नहीं है कि हमारा सेकंड अटेम्प्ट कब हो रहा है। बीच में कह रहे थे सितंबर में हो जाएगा, बीच में जुलाई भी बोल रहे थे कि जुलाई फर्स्ट वीक पेपर हो जाएगा, जुलाई निकल गया बेटा, अभी कुछ भी सर्टेन नहीं है। चलो आप खुशकिस्मत हैं, कम से कम आपका 11 तो ठीक ठाक निकल जाएगा, और प्लस टू में आई होप के कंडीशन ठीक हो जानी चाहिए। चलिए, तो सबसे पहला बेटा काम होता है, मैंने बार बार रिपीट किया आपको, सबसे पहला काम क्वेश्चन को दो बार पढ़िए, उसका एक अप्रोक्सीमेट डायग्राम ड्रॉ करिए, उसकी कंडीशन समझिए कि क्वेश्चन में मोशन कैसा हो रहा है। यहाँ पे आपको दिया है स्पीड निकालनी है, स्पीड ऑब्वियस है वही निकालोगे ना जो कांस्टेंट स्पीड से जाएगा ना, ये लिफ्ट ऊपर को कितनी स्पीड से जाएगा बेटा। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो, वी का वैल्यू अगर कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, चैट बॉक्स में लिखेंगे। वो मोशन जिसमें वेलोसिटी कांस्टेंट है उसमें एक्सेलरेशन क्या होगी। वेरी नाइस अंकिका, मधु, कुणाल, विष्णु जी सबने आंसर दे दिया सही, जीरो है ना, एक्सेलरेशन जीरो है। बहुत जीरो एक्सेलरेशन अगर है, अगर मैं न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन की बात करूं, विच इज एफ इज इक्वल टू एम इनटू ए, तो बेटा लिफ्ट का एक्सेलरेशन तो है नहीं, एक्सेलरेशन जीरो है, तो लिफ्ट पे नेट फोर्स भी जीरो आना चाहिए। क्लियर हो गया है ना, नेट फोर्स ऑन द लिफ्ट मस्ट बी जीरो।
तो नेट फोर्स अगर जीरो लेके आना है तो इस लिफ्ट पे जितने फोर्सेस हैं बेटा, दो फोर्स तो डाउनवर्ड है, एक 4000 न्यूटन फ्रिक्शन वाला और एक 2000 इंटू जी, जी का वैल्यू हमें दिया 10, यानी कि 20000 न्यूटन। एक फोर्स नीचे को है वेट और एक फोर्स नीचे को है फ्रिक्शन और ऊपर को एक ही फोर्स है वो है टेंशन, जो कि इस मोटर से हमें लिफ्ट को खींचने में मिलेगी। हमें निकालना है कितनी स्पीड से लिफ्ट ऊपर को जाएगी जब वो फुली लोडेड होगी। तो हम चाहते हैं नेट फोर्स जीरो आए, जीरो नेट फोर्स आए दैट मींस ये फोर्स जो ऊपर को है और ये दोनों फोर्स मिलके जो बनती हैं एक डाउनवर्ड फोर्स, ये अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स आपस में कैंसिल होने चाहिए बेटा, तभी जीरो फोर्स आएगा। तो उससे हम निकाल पाएंगे इक्वेशन से कि लिफ्ट कितना फोर्स अप्लाई करती है, यानी कि टी कितना है। आगे आपको बताइए, एक फॉर्मूला लिखा था हमने पावर का, पावर के मैंने आपको दो ही फॉर्मूले बताए सिर्फ, एक फॉर्मूला मैंने बताया वर्क डन बाय टाइम, इज इट, और दूसरा फॉर्मूला मैंने आपको बताया फोर्स डॉटेड विद वेलोसिटी। दो फॉर्मूले लिखे थे हमने पावर के, इन दो से ही निकलता है। तो फोर्स जो लिफ्ट ने अप्लाई की वो टी के इक्वल है, निकालेंगे पहले कितना आता है। टी को मैं अगर इनटू वी कर दूंगा, देखो पहले क्वेश्चन को समझना है पूरा, फिर कौन कौन से फॉर्मूले जो हैं वो हमारी हेल्प कर सकते हैं वो देखने हैं, बाकी कैलकुलेशन बाद में करेंगे। और एक क्वेश्चन का अगर रफ डायग्राम आप बना सकते हो, मैं ये नहीं कहता कि इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दीजिए जैसा मैंने बताया, अभी एक सिंपल वाला ड्रॉ कर लेंगे। सिंपल क्या है कि लिफ्ट बनाएंगे, ऊपर को टेंशन ड्यू टू मोटर आ जाएगा, नीचे को वेट आ जाएगा, एक नीचे को आ जाएगा आपका सो कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स, है ना। हम इतना साइड बनानेंगे रफ साइड, ये तो दिमाग में कॉन्सेप्ट बनाने के लिए मैं बीइंग टीचर कई बार थोड़ा सा थ्री डिमेंशनल एक्चुअल जैसा बना देता हूँ, ऐसा आपने नहीं बनाना, आप सिंपल सा डायग्राम बनाएंगे जिसको हम यूजुअली फ्री बॉडी डायग्राम कहते थे, हम उससे कम चलाएंगे। ओके, फोर्स जो लिफ्ट ने लगाया अपवर्ड्स वो निकल आया, टी आ गया अपने पास, वी हमें पूछा है क्या आना है, और टी इंटू वी आएगा पावर, और पावर जो है हमें दी है 60 हॉर्स पावर। बट सारा कुछ रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, एक हॉर्स पावर में कितने वॉट होते हैं वो भी दिया है क्वेश्चन में, तो इसको हम 746 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, राइट हैंड साइड सारा कुछ नॉन है, टी हम यहां से निकालेंगे जीरो फोर्स करके, कितना टी आता है, टी निकल आया, राइट हैंड साइड निकल आई, वी निकालना है। चलिए, होप कि आपको ना जो पॉइंट्स थे वो सारे क्लियर हो गए होंगे। फ्रिक्शन हमें 4000 दी है, 4000 लिखी मैंने, फ्रिक्शन ने मोशन को अपोज करना है, तो लिफ्ट को हमें ऊपर खींचना है, जब लिफ्ट ऊपर जाएगी तो फ्रिक्शन नीचे को होगी क्योंकि फ्रिक्शन ने तो मोशन को अपोज करना है। चलिए अब एक काम करते हैं, मैंने आपको आउटलाइन दे दिया, फिर भी किसी को डाउट है कोई चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। हाँ जी, बाविक ने आंसर निकाल दिया, बहुत बहुत बढ़िया, इतना ही आंसर बेटा करेक्ट। चलिए दोबारा दोबारा दोबारा, ओके दोबारा बोलता हूँ, दोबारा बताता हूँ सारा। हमें क्वेश्चन में गिवन था कि एक 60 हॉर्स पावर का मोटर है जो एक लिफ्ट को खींचता है अपवर्ड्स, लिफ्ट की टोटल लोड कैपेसिटी 2000 केजी है, यानी ऊपर खींचते टाइम इसमें हम जो बंदे बिठाएंगे और प्लस जो लिफ्ट का मास होगा वो ज्यादा से ज्यादा 2000 केजी हो सकता है, और लिफ्ट के मोशन को जो अपोजिंग फोर्स है जो फ्रिक्शन साइडों से मिलती है अपोज करती है वो 4000 न्यूटन है। तो जब लिफ्ट फुली लोडेड होगी तो इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है वो कितनी होगी। तो लिफ्ट पे जो फोर्सेज लग रहे हैं, पहले हम उन फोर्सेज को एनालाइज करना है। वेट होगा लिफ्ट पे लगेगा जी फोर्स डाउनवर्ड्स, जो कि एम इंटू जी होगा 2000 इंटू जी, फॉलोड बाय जो लिफ्ट पे फ्रिक्शनल फोर्स है वो भी अपोज करेगा, लेकिन वो हमें फिक्स दिया है कि 4000 न्यूटन लगना होगा,
और लिफ्ट में जो मोटर लगा हुआ है वो इसमें क्रिएट कर सकता है टेंशन, जो कि हम पावर के हिसाब से निकालेंगे कितना टेंशन बनेगा। तो ये तीन फोर्स है लिफ्ट पे। ये मैंने लिफ्ट दोबारा से रीड्रॉ कर दी है राइट हैंड साइड पे। अपवर्ड फोर्स टी, डाउनवर्ड फोर्स एक mg और एक डाउनवर्ड फोर्स है फ्रिक्शन। लेकिन लिफ्ट जब चलती है ना बेटा, वो कांस्टेंट स्पीड से चलती है, स्पीड इज कांस्टेंट। तो एक खास स्पीड से चलेगी, और अगर हमें पता लग जाए कि मोटर कितना फोर्स लगाती है अपवर्ड, फोर्स को इंटू मैं कर दूं वेलोसिटी जो कि निकलनी है, वो इक्वल टू लिफ्ट का पावर हमें आ जाए के बराबर आ जाएगा। पावर हमें दिया है 60 हॉर्स पावर, बट हॉर्स पावर ऐसे यूनिट नहीं है, हमें वॉट में लिखना पड़ेगा। तो एक हॉर्स पावर 746 वॉट के इक्वल है। तो हमें नेट फोर्स ऑफ द लिफ्ट करना है जीरो, दैट मींस जितना फोर्स ऊपर को लगेगा उतना ही टोटल फोर्स डाउनवर्ड्स भी होगा। तो इनको इक्वेट कर देना, उससे टी निकल आएगा, टी की वैल्यू डाल देना, वी निकल आएगा। काफी बच्चों ने आंसर सेंड कर दिया है। अंश का आंसर ठीक है, तरनदीप का आंसर भी ठीक है। चलिए, तो अब बाकी काम तो मैथमेटिकल है, वो सॉल्व हो जाना चाहिए आराम से। मैं एक्स्ट्रा इंक पहले हटा दूं एक बार, और फिर अब आप आते हैं सॉल्यूशन पे। तो मैंने बोला था ना डायग्राम सिंपल सा ड्रॉ कर लेना, ये सिंपल डायग्राम है। तो टी फोर्स जो लिफ्ट ने अप्लाई करना है, वेट mg, m मतलब 2000 इंटू जी, जी का वैल्यू 10 यूज कर लेना, और फ्रिक्शन का फोर्स हमें 4000 न्यूटन दिया है। ये सभी फोर्सेस का सम जीरो आना चाहिए। तो जितना फोर्स नीचे को है टोटल, उतना ही फोर्स टोटल ऊपर को लगना चाहिए। ऊपर को एक ही फोर्स है, तो हम एक्सेलरेशन जीरो मतलब नेट फोर्स जीरो, तो अपवर्ड फोर्स टी और डाउनवर्ड फोर्स 2000 g इंटू फ्रिक्शनल फोर्स, ये इक्वल आनी चाहिए। g का वैल्यू हमने 10 पुट कर दिया, तो ये बन गया आपका 24000 न्यूटन, है ना। तो जो लिफ्ट की जो मोटर है ना, उसने जो टेंशन सप्लाई करनी है वो 24000 न्यूटन है। पावर भी लिफ्ट की मोटर का ही है, तो फोर्स अप्लाइड इंटू वेलोसिटी कर देंगे इज इक्वल टू पावर। पावर के लिए 60 हॉर्स पावर को 746 से मल्टीप्लाई कर दो, इक्वल टू टी का वैल्यू हमारा 24000 है इंटू बी 24000 से डिवाइड, और आंसर। चलो सारे बच्चे निकालो जरा, क्या आंसर आना है, कईयों ने आंसर दे दिया है, बाकी सॉल्व करो बेटा फटाफट। अब कुछ बचा नहीं है, मैथमेटिकल रह गया। अंकिता सिंह का आंसर ठीक है बेटा। बेटा जल्दी करना है, टाइम आज वाले क्वेश्चन थोड़े से लेंदी है, टाइम कंज्यूमिंग है। अंकिता चैटर्जी ठीक है बेटा, आपका भी करेक्ट। अमितोज का आंसर भी ठीक है बेटा, राउंड ऑफ करके 1.9 आ जाएगा, ठीक है बेटा, गुड। सिमरन का आंसर भी ठीक है, जल्दी करिए बाकी बच्चे भी बेटा। कुणाल बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन अभी कुछ बच्चे कर रहे हैं, बस मुझे 2 मिनट का टाइम और। हर्षप्रीत का ठीक है, गुड। आशीष सिंह, विश्वजीत करेक्ट है बेटा, हर्षित का भी ठीक है, चलिए यशस्वी का भी सही है बेटा, विश्वजीत का ठीक है। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चलो स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 68।
पार्टिकल ऑफ मास 1 kg स्लाइड्स डाउन अ फ्रिक्शनलेस ट्रैक AOC स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एट अ हाइट ऑफ 2 मीटर, ग्राउंड से 2 मीटर हाइट पे था और सरफेस फ्रिक्शनलेस है, कोई एनर्जी का लॉस नहीं, टोटल एनर्जी मतलब कॉन्स्टेंट रहनी चाहिए। फिर सी के बाद ये ना प्रोजेक्टाइल की फॉर्म में चलता है एयर में, व्हेन इट रीचेज इट्स हाईएस्ट पॉइंट पी, हाइट 1 मीटर, इसकी हाइट मेरा 2 मीटर थी, इसकी जो हाइट है वो हमें 1 मीटर दिया है, लिखा नहीं था पेपर में, पेपर में डायग्राम इतना ही था, आपको खुद से देखना है कि ये 1 मीटर है, और साथ में लिखा है कि फिगर इज नॉट ड्रॉन टू द स्केल, यानी ऐसा मत सोचना कि पी जो है वो ए के बराबर ही आ गया, ठीक है ना, डायग्राम टू द स्केल नहीं है, एग्जैक्ट डायग्राम नहीं है, तो ये 1 मीटर पे है। तो अगर जी का वैल्यू लें 10, तो पॉइंट पी पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इन जूल क्या होगी? देखो बेटा, अगर तो है फ्रिक्शन तो कुछ एनर्जी जो है ना, वैसे तो पोटेंशियल एनर्जी बॉटम पे जाके पूरी तरह काइनेटिक में चेंज हो जाती है, जानते हैं आप, फ्रिक्शन है तो हो सकता है कि कुछ एनर्जी फ्रिक्शन की वेस्ट वेस्ट हो जाए और बॉटम पे जाके काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी इक्वल ना आए, बट यहाँ पे हमें सरफेस दिया है फ्रिक्शन लेस, फ्रिक्शन लेस तो हमारी जो काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी है ना उसका टोटल, हमने किया था अभी वर्क पावर एनर्जी में एक केस, एक ऑब्जेक्ट को हाइट कैपिटल से ड्रॉप किया, टॉप पे काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी का टोटल निकाला, बीच में जगह एक जगह जाके निकाला था डिस्टेंस एक्स के बाद, फिर एक बार बॉटम पे जाके भी काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का टोटल निकाला, एंड वी फाउंड दैट सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी हर जगह सेम आया, हर जगह सेम था। तो अगर सम ऑफ काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी हर जगह सेम था तो इस वाले सिचुएशन में भी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का टोटल हर पॉइंट पे सेम आएगा। अब पोटेंशियल एनर्जी जो है ग्रेविटेशनल वो mgh होती है, तो मुझे यहाँ की हाइट भी पता है, मुझे यहाँ की हाइट भी पता है, और हमें ये भी पता है कि यहाँ पे ये रेस्ट पे छोड़ा था, रेस्ट पे छोड़ा था तो इसकी काइनेटिक एनर्जी 0 थी, तो मुझे इस पॉइंट पे काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का टोटल निकालना आता है ना, पोटेंशियल एनर्जी एम जी इंटू हाइट, काइनेटिक 0, और वही एनर्जी टोटल आपको यहां भी मिलेगी, है ना, इस पॉइंट पे भी, तो इस पॉइंट पे भी काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का सम वही होगा जितना पॉइंट ए पे था। अब मैंने आपको हिंट दे दिया, आगे अपने आप सॉल्व करने की कोशिश करो। I've given the hint के करना कैसे, बाकी बुक्स में आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन बड़े लंबे चौड़े तरीके से सॉल्व किया हुआ है, इतने पंगे लेने की जरूरत नहीं है, कुछ लोगों ने वीडियो भी डाले हुए हैं यूट्यूब पे लंबे लंबे बना के, पता नहीं क्या क्या डाल, वेरी इजी क्वेश्चन, हंस का आंसर ठीक है, इजी एंड वन लाइन क्वेश्चन ऑल जो मैंने लिखा है, इसके बाद एक लाइन और बची है बस, विश्वजीत का गलत हो गया, अंश का ठीक है, बहुत इजी बेटा, बहुत इजी, अंकिका सिंह का ठीक है, कुणाल का ठीक है। टीचर को खुशी तब मिलती है कि बच्चों ने ना समझ के करना शुरू कर दिया, दैट मीन्स मिशन मिशन जो है वो सक्सेसफुल हो, भाविक का ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है बेटे, बिल्कुल इजी क्वेश्चन, हाँ लंबा है, पहले पढ़ते रहो क्या क्या लिखा हुआ, भाविक का ठीक है बेटा, कुणाल का ठीक है, अंकिता सिंह का ठीक है, काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का टोटल mgh नहीं आना बेटा, आंसर हैज टू बी अ नंबर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 29 ऐसे कुछ भी आएगा, बट डेसिमल में नहीं आएगा, इट इज अ होल नंबर।
इट इज अ होल नंबर। हाँ जी, बाकी बच्चों का आंसर मेरा आया नहीं। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच, एंड नो कैलकुलेशन एट ऑल। कीर्तिका ठीक है बेटा। अंकिता, अंकिता चैटर्जी बेटा जीरो नहीं आएगा, जीरो आंसर नहीं है। जीरो तब होना था अगर ये दोबारा सेम हाइट पे पहुंच जाता, उस केस में जीरो है। ये तो 2 मीटर से चला था, 1 मीटर ही पहुंचा। सो इट हैज लॉस्ट सम पोटेंशियल एनर्जी। जितना पोटेंशियल एनर्जी का लॉस हुआ उतना काइनेटिक एनर्जी में गेन हो जाएगा। टोटल एनर्जी तो सेम रहनी है। करणदीप ठीक है। ओरल क्वेश्चन है, वैसे ओरली भी निकाल सकते हो, ओरल क्वेश्चन। करणदीप का ठीक है, विश्वजीत का ठीक है। सुबह लक्ष्मी बेटा नहीं, बात बन गलत हो गया। विश्वजीत का ठीक है बेटा, करेक्ट है। मधु का भी ठीक है। चलो अब मैंने आपको एक शॉर्टकट भी बताता हूं बेटा, बहुत इजी शॉर्टकट है। शॉर्टकट ये है कि अगर हम, मैं आपको ना 2-3 रास्ते बनाता हूं एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करने के लिए। एक ऑब्जेक्ट को अगर आप बॉक्स की शेप में देते हैं, एक ऑब्जेक्ट है ऐसे, मैं 3-4 सिचुएशन ड्रॉ कर देता हूं, एक ऑब्जेक्ट सीधा ही नीचे को आ जाता है बेटा, ये अपना ग्राउंड लेवल है ठीक। एक ऑब्जेक्ट आता है ऐसे सरफेस पे नीचे, एक ऑब्जेक्ट आता है ऐसे सरफेस पे नीचे, ऐसे ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। चलो एक इस तरह के सरफेस से नीचे आता है और एक ऑब्जेक्ट सेम हाइट से फ्रिक्शनलेस सरफेस पे स्लाइड करके नीचे को आता है। तीनों सिचुएशन में एक ही फॉर्मूला लगने वाला है। अगर पूछे बॉटम पे आके वेलोसिटी क्या बनेगी, तो तीनों सिचुएशन में आपने एक चीज लिखनी है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट द टॉप इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट द बॉटम। बस इतना लिखने पे काम बन जाएगा बेटा। और इसमें बड़ी खूबसूरत चीज है, वो ये के काइनेटिक एनर्जी बेटा टॉप पे तो होती है जीरो है ना, और पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh प्लस mgh। और जैसे ही बॉटम पे आएंगे, ये शॉर्टकट नोट कर लेना बेटा, बहुत काम का है, आगे भी काम आएगा। बॉटम पे आएंगे तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी आपकी हाफ एम वी स्क्वायर, स्क्वायर ठीक डाल लेना बेटा, मैं चलो पास में डालता हूँ, और बॉटम पे आके पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है। MV square.
मास से मास के आंसर। तो एक तो रिजल्ट मास पे डिपेंड नहीं करता, यहां तो खैर काइनेटिक एनर्जी निकाल ली थी ना, इसलिए मास भी आ जाएगी यहाँ पे, बट वैसे मास पे रिजल्ट डिपेंड नहीं करता। अच्छा ये 1/2 का 2 इधर लेके जाओ, तो इधर आ गया बेटा 2gh, राइट पे बचा v स्क्वायर। इन सभी सिचुएशन में आपको कभी भी वेलोसिटी निकालनी है, ये फॉर्मूला मैंने आपको पहले बताया था काइनेमेटिक्स में। तो √2gh वेलोसिटी बनेगी बॉटम पे आके, चाहे सीधे गिरो नीचे को, चाहे इंक्लाइन से नीचे आओ, हाइट सबका सेम होना चाहिए, लेकिन हाइट 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 सबका सेम हाइट से जब ऑब्जेक्ट नीचे आएगा तो इरिस्पेक्टिव कि उसका मास कितना है, उसका बॉटम पे आके वेलोसिटी √2gh हो जाएगा। ये फॉर्मूला नोट कर लो, बॉटम पे आके उसकी वेलोसिटी √2gh हो जाएगी। ये जो आप अपने शॉर्टकट वाली नोटबुक मेंटेन कर रहे हो उसमें पॉइंट बेटा ऐड कर देना, वेरी इंपॉर्टेंट, यानी लंबे कैलकुलेशन में जाने की जरूरत नहीं है। तो इसका डायग्राम अगर मैं टू द स्केल ड्रॉ करूं ना, तो ये हमने छोड़ा था 2 मीटर हाइट से, और इसने बेटा यहां तक पहुंचते पहुंचते 1 मीटर हाइट लूज कर दी, 1 मीटर हाइट लूज कर दी, तो इसकी वेलोसिटी यहां पे होगी √2gg यानी 10 इंटू हाइट लॉस्ट, यही वाला फॉर्मूला बता रहा हूं एच वाला, तो इसकी वेलोसिटी होगी बेटा √20। बट हमें वेलोसिटी नहीं पूछी थी, हमें काइनेटिक एनर्जी पूछी थी, तो काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ एम कितना 1। ये तो मैंने बता दिया आपको, सिंपल इससे भी आ जाएगा, मास इक्वल टू 1 kg, वेलोसिटी का स्क्वायर करेंगे रूट हट जाएगा 20 आ जाएगा, ऐसे निकाल लो 10 आ जाएगा, ऐसा 10 जूल। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली निकाल दो, जितनी हाइट लूज की चाहे सीधा आया चाहे इंक्लाइन से आया चाहे कर्व से आया, फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए बस। तो हर केस में जो वेलोसिटी है उसका निकालने का तरीका जो है वो √2gh है। हाँ आपकी बेटा तरीका ही होते हैं क्वेश्चन करने के, अब मुझे बताना है कि ईजिएस्ट मेथड कौन सा है। Easiest method is √2gh. ठीक है, तो या फिर कंजर्वेशन एनर्जी यूज कर लो, उससे भी निकल आएगा, वो थोड़े स्टेप ज्यादा लिखने पड़ेंगे, बस इसमें सीधा √2gh, वेलोसिटी पूछी तो √2gh काम खत्म हो गया। अब यहाँ काइनेटिक एनर्जी पूछी थी तो फिर हाफ एम वी स्क्वायर भी कर दूंगा, इतना ही काम था। चलो अच्छा, आपने ये डायग्राम जो मैंने बनाए चार और रिजल्ट जो है वो नोट कर लिया है, तो बेटा चैट बॉक्स में डन लिखेंगे ताकि आगे बढ़ा जाए। नोट कर लिया तो डन लिख दीजिए चैट बॉक्स में। चलिए हो गया मोस्टली बच्चों का, चलो स्टिल किसी का पेंडिंग है बेटा तो फिर स्क्रीनशॉट। Okay, we are moving to the next question. Screenshot ले लो बेटा जिनका भी pending है। चलिए अब चलते हैं next question। ये मैंने आपको करा दिया कि kinetic energy और potential energy का total कर लेना अगर फॉर्मूला नहीं याद आता तो। तो पहले एनर्जी थी एम जी इंटू हाइट थी 2, बाद में एम जी इंटू हाइट थी 1, इसको बड़ा लेफ्ट पे ट्रांसफर कर दो, 2 mg में से 1 mg माइनस करोगे mg बचेगा, तो काइनेटिक एनर्जी एम जी, एम इज 1 और g है 10, नो लॉन्ग कैलकुलेशन, डायरेक्टली 10 जूल आंसर है। चलिए अब बेटा क्वेश्चन है नंबर 66, ये जेई मेंस में 2019 में आया, शुरू करें। 3 ब्लॉक्स ए बी एंड सी
are lying on a smooth horizontal surface as shown in the figure. A and B have equal masses, small m, while C has mass capital M. डायग्राम में थोड़ी गलती हो गई, C का मास है कैपिटल M. बेटा आप भी ठीक कर लेना, जो नोट्स है ना आपके पास, मैंने गलती से स्मॉल m लिख दिया बेटा, नोट्स में करेक्शन कर देना बेटा, ये मास कैपिटल M है C वाला. ओके, सो ब्लॉक ए को ना एक ब्रूटल स्पीड, ब्रूटल मतलब एकदम से झटका देना, वेलोसिटी वी से फेंका हमने टूवर्ड्स बी, और कोलिजन जो है वो बी के साथ हुआ परफेक्टली इन इलास्टिक. इन इलास्टिक याद आ गया आपको, जिसमें दोनों मासेस जुड़ जाती है, इकट्ठी हो जाती है. फिर ये कंबाइंड मास जो बना, एम और एम मिल गए, ये फिर सी के साथ कोलाइड होता है, अगेन परफेक्टली इनइलास्टिक है. फिर ये दोनों मास तीसरे के साथ जुड़ जाते हैं जाके, यानी बाद में तीनों मास इकट्ठे हो जाते हैं, इकट्ठे हो गए फिर उनकी स्पीड भी एक ही होगी फिर. एंड 5/6 ऑफ द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज लॉस्ट. देखो मैंने सिर्फ एक कोलिजन बताई थी जिसमें काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होता, वो थी इलास्टिक कोलिजन. ये दोनों कोलिजन इलास्टिक है, इसमें काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा. तो क्वेश्चन है कि जो टोटल लॉस ऑफ एनर्जी है इन द कंप्लीट प्रोसेस, अगर वो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का 5/6 है, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज 5/6 ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, तो फिर आपने एम डिवाइड बाय स्मॉल एम, एम इज टू स्मॉल एम का रेशियो निकालना है. ये क्या है? चलिए क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया सारा. दोनों कोलिजंस परफेक्टली इनलास्टिक है, यानी पहले ए जो है मास वो बी से जाके जुड़ेगा, फिर ए और बी इकट्ठे चलेंगे और वो फिर सी के साथ जुड़ जाएंगे, फिर ए बी सी तीनों इकट्ठे चलेंगे. तो मैंने आपके लिए इसको एनिमेट भी किया है. ये पहले ए आ रहा था विद वेलोसिटी बी, फिर वो बी से टकराया, फिर ए और बी इकट्ठे हो गए. होप के क्लियर हो गया होगा, दोबारा फिर देख लो. पहले ए आ रहा था वेलोसिटी बी के साथ, जब वो बी के साथ कोलाइड होता है तो ए और बी इकट्ठे हो जाते हैं, फिर एक ही स्पीड से चलते हैं दोनों. एंड लास्टली फिर सी की बारी आ जाएगी, लेकिन उसका मास कैपिटल एम है. फिर ए बी सी तीनों इकट्ठे मूव करते हैं. आपको मेरा प्रोसेस क्लियर हो गया सारा, दोबारा फिर देख लो. पहले ए आया, बी और सी पहले रुके हुए थे, सरफेस फ्रिक्शनलेस है, ए और बी आपस में जुड़ गए बेटा, स्टिक टुगेदर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन. ए और बी इकट्ठे चलने शुरू हुए, फिर वो सी के साथ भी जाके कंबाइन हो गए, फिर ए बी सी तीनों इकट्ठे चले. चलो ऐसा करते हैं बेटा, कोलिजन अगर इन इलास्टिक भी हो, कोलिजन अगर इलास्टिक भी हो, तब भी मोमेंटम तो हमने लिखा था सभी कोलिजन्स में कंजर्व्ड रहता है. मान लो ये कंबाइंड वेलोसिटी ए बी सी की है पूरे सिस्टम की, पूरे सिस्टम का मास है बेटा एम प्लस एम यानी कि 2m, और पूरे सिस्टम का मास 2m तो ये हो गया, और एक कैपिटल m जो है वो c का मास है. तो अल्टीमेटली बाद में इतना मास वेलोसिटी v डैश से चलना है. लेकिन शुरू में क्या था, b और c तो खड़े थे बिगनिंग में सिर्फ a चल रहा था जिसका मास था m, a का मास m, उसकी वेलोसिटी थी v. मोमेंटम मैंने बोला कि वो तो कंजर्व रहेगा, है ना, मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा. कोलिजन वाले इनलास्टिक है, वो जो इलास्टिक इनलास्टिक का चक्कर था वो तो काइनेटिक एनर्जी के साथ रिलेशन था, तो इसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होगी, मोमेंटम कंजर्व होगा. चलिए तो अब इक्वेशंस क्या है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अब भी लगेगा. तो पहले बेटा मोमेंटम था ए का एम इंटू वी,
बी का एम इंटू जीरो और सी का कैपिटल एम इंटू जीरो, सी की मास एम कैपिटल, यहां पे कैपिटल एम कर देना, मैं भी कर ही देता हूं, बाकी गलती ना लगे कोई, सी का मास था कैपिटल एम, ओके। अच्छा अब बाद में क्या हुआ बेटा, इधर इधर तीनों मास जो है जिनका टोटल मास बनता है 2m प्लस कैपिटल एम, राइट, इसकी वेलोसिटी कंबाइंड है v डैश, तो इसका टोटल का एक ही मोमेंटम लिखा जाएगा मास इनटू, तो यहां से हम निकालेंगे पहले v डैश, तो ये दो टर्म तो जीरो है बेटा, है ना, यहाँ पे ओनली mv है और इसको हम इससे डिवाइड कर देंगे, v डैश निकालना था ना कि कितनी वेलोसिटी बनी, बेटा वेलोसिटी पता होगी तभी तो हम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे कि कितना लॉस हुआ एनर्जी का, तो मैंने 2m प्लस कैपिटल m से डिवाइड कर दिया लेफ्ट हैंड साइड पे, तो v डैश निकल आया। अब हमें निकालना है कि लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी हुआ कितना, ओहो ये रहना चाहिए था यार, कुछ एनिमेशन में गड़बड़ हो गया, चलो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, अभी चलते चलते में करेक्शन थोड़ी मुश्किल होगी, सो लेट मी राइट, यहाँ पे आया बेटा अपना v डैश इक्वल टू एम वी अपॉन टू एम प्लस कैपिटल एम, चलो पीछे का उड़ जाए कोई बात नहीं बेटा, ओके चलो ये हो गया अपना। अब जो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी है, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी वो होना चाहिए हाफ एम वी स्क्वायर, बेटा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी सारी इसके पास थी हाफ एम वी स्क्वायर, फाइनल काइनेटिक एनर्जी तीनों की इकट्ठी है, तीनों का इकट्ठा मास हाफ इंटू मास इंटू वी डैश स्क्वायर, वी डैश हमारा निकल चुका है इसका स्क्वायर कर दें, वी डैश निकल चुका है उसका स्क्वायर कर दीजिए। चलो इसके आगे बेटा हमने हाफ एम वी स्क्वायर निकालना है कॉमन, हाफ एम वी स्क्वायर कॉमन निकलेगा, यहां भी है ना एम, इधर भी है, हाफ एम वी स्क्वायर कॉमन निकाल लो बेटा, कर लिया। अच्छा ये ना सारे स्टेप्स ही प्रॉब्लमेटिक, चलो एक काम करो पहले आप इतना नोट करो जरा फटाफट, मैं वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज कर देता हूँ, जो करेक्शन है वो भी अप्लाई कर देता हूँ, प्लीज नोट डाउन अभी तक जितना मैंने लिखा है। चलिए बेटा मैंने करेक्शन कर ली है, ठीक है। अच्छा देखो यहां तक बेटा नोट कर लिया आपने, अब हाफ एम वी स्क्वायर हमने कॉमन निकाल लिया, देखो हमें निकालना लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी जो कि 5/6 ऑफ टोटल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, तो पुरानी एनर्जी सिर्फ मास एम के पास थी, स्मॉल एम शुरू वाली ए के पास थी, तो उसकी वेलोसिटी वी थी अगर, तो काइनेटिक एनर्जी बिगनिंग में थी हाफ एम वी स्क्वायर, सेकेंड और थर्ड मास की थी जीरो, ये थी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी।
ये तीनों मास इकट्ठे हो गए हैं, हाफ टोटल मास और इस सारे की वेलोसिटी का स्क्वायर जो कि निकाल चुके हैं, राइट। अब इसमें से हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, बट यहाँ पे आएगा एम स्क्वायर वी स्क्वायर। बेटा एम स्क्वायर में से एक एम तो बाहर चला जाएगा, एक एम यही छोड़ना पड़ेगा और वी का स्क्वायर भी बाहर चला गया। हाफ एम वी स्क्वायर कॉमन निकाला और अंदर बचा अपने पास वन माइनस स्मॉल एम बाय टू एम प्लस कैपिटल एम, कर लिया इतना आपने। और ये जो लॉस है ये हमें दिया इक्वल टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का ऑफ, ऑफ का मतलब होता है इनटू बॉड मास, याद है ना बॉड मास, ओ मतलब ऑफ, ऑफ मतलब इनटू, तो 5/6 इनटू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इतना है लॉस। अच्छा ये तंग कर रहा है आपको, कोई बात नहीं, रब कर लेते, मिटा देते हैं। लो जी हटा दिया, अब ठीक दिख जाएगा। ओके अच्छा किसी किसी बच्चे ने निकाल भी लिया आंसर, मुझे लगता है कुछ कैंसिल हो रहा है, देखो ना कुछ कैंसिल। हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर कैंसिल है ना, तो इधर 5/6 रह गया, 5/6 को लेफ्ट पे ले जाओ, इसको बेटा राइट पे ले जाओ, 5/6 को लेफ्ट पे ले आओ और इस पूरे को राइट पे ले जाओ। वन में से 5/6 माइनस करेंगे, 1/6 आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इधर आएगा 6m, 6 इंटू एम और इधर आएगा 2m प्लस कैपिटल m, 2m को राइट पे शिफ्ट करो, 6m में से 2m माइनस किया 4m, आपको m कैपिटल बाय स्मॉल m निकालना था, वो इक्वल टू 4 आएगा, फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन। हाँ जी अंकिका, अंकिता सिंह का आंसर ठीक है, कुणाल का आंसर ठीक है, भाविक का आंसर बेटा गलत हो गया, 4 आंसर आएगा बेटा। हाँ रिपीट करूंगा, अभी रिपीट करता हूँ, रिपीट कर रहा हूं। चलो दोबारा देखो बेटा, कोलिजन जो है वो है परफेक्टली इन इलास्टिक दोनों की, पहले मास m आया, a मास वेलोसिटी v से, वो b के साथ आके स्लिप कर गया, फिर a b इकट्ठे गए, फिर a b c के साथ भी जाके जुड़ गए लेकिन c का मास था कैपिटल m, और बाद में ये तीनों जो है एज अ सिंगल यूनिट सिंगल मास वेलोसिटी वी डैश से चलते हैं। मोमेंटम कंजर्व होगा, कोलिजन चाहे इलास्टिक हो चाहे इन इलास्टिक हो, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई किया क्योंकि वेलोसिटी तो निकालनी है तभी काइनेटिक एनर्जी निकलेगी, तो एम वी मोमेंटम था ए का पहले, बी का भी जीरो सी का भी जीरो, बाद में तीनों इकट्ठे हो गए, तीनों का मास था 2m + कैपिटल m और वेलोसिटी थी v डैश, ये दोनों टर्म्स को हटा दो ये जीरो है, इसको नीचे लेके जाओ v डैश आ गया। अब हमें निकालना काइनेटिक एनर्जी में कितना लॉस हुआ, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, लॉस मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी हाफ एम वी स्क्वायर माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है पूरे सिस्टम की, तो पूरे सिस्टम मतलब हाफ इंटू पूरे का मास इंटू पूरे सिस्टम की वेलोसिटी का स्क्वायर, वो ये लिख के निकाल लिया हमने पहले ही। इसको ब्रैकेट को खोलोगे एम स्क्वायर वी स्क्वायर आएगा, नीचे 2m प्लस कैपिटल m का भी होल स्क्वायर आएगा, बट नीचे स्क्वायर है ऊपर एक सिंगल पावर है तो एक पावर तो हो जाएगी कैंसिल, और ऊपर आएगा आपके पास एम स्क्वायर वी स्क्वायर और आप हाफ एम वी स्क्वायर को कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ पे जो एम स्क्वायर आया ना उसमें से एक m बच जाएगा। अब इसका एलसीएम
लो तो भी चल जाएगा, नहीं लेंगे सीधा भी तो भी चल जाएगा। ये जो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी है, ये क्वेश्चन में दिया है, ये टोटल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का ना 5/6 है, इक्वल टू 5/6 टाइम्स इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो हाफ एम वी स्क्वायर का आंसर दोनों साइड पे। तो लेफ्ट पे ये पूरी इक्वेशन बची, राइट पे 5/6, 5/6 को लेफ्ट पे ले आओ, इसको राइट। बाकी देखो मैथमेटिकल है, इसके बाद तो फिजिक्स सिर्फ आपको वेलोसिटी निकाल के देगी और काइनेटिक एनर्जी निकाल के देगी। अब इसके बाद जो क्वेश्चन में दिया है उसको एक इक्वेशन की फॉर्म में बेटा प्रोड्यूस करिए। इसके बाद क्या करना है वो हर क्वेश्चन में बेटा डिफरेंट, तो ये आप किसी के अगले मैथमेटिकल स्टेप्स क्या होंगे। चलिए तो इसको लेफ्ट पे, इसको राइट पे बेटा, और देन क्रॉस मल्टीप्लाई एंड गेट द रेशियो ऑफ कैपिटल एंड स्मॉल एम। तो मेरा बताना तो इतना ही था, बाकी ये ना क्वेश्चन बेटा जो टीचर करके देंगे ना आपको एमसीक्यू टाइप जो है, उससे कम से कम 3 times और अगर हो सकता है तो 10 times और करने पड़ेंगे, क्योंकि जब टीचर करा रहे हैं आपको फिर तो बेटा टीचर समझा भी रहा है, पढ़ के भी सुना दिया उसने, लेकिन जब पेपर होगा आपका ना फाइनल टेस्ट, उस दिन टीचर साथ में नहीं होगा। सो यू हैव टू प्रैक्टिस, जब तक खुद से नहीं करके देखेंगे, मैं बार बार बोलता रहा हूँ, जिन बच्चों को लिखने की हैबिट नहीं है, जो सिर्फ सुनते हैं वीडियो को या जो भी क्लास चलती है ऑनलाइन भी, लिखते नहीं है, बाद में लिख के प्रैक्टिस नहीं करते, दे वुड बी द सफरर्स। आज मौका है लॉकडाउन का, इसको आप पॉजिटिव भी बना सकते हैं, नेगेटिव बना सकते हैं। पॉजिटिव ऐसे बना सकते हैं कि सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी से चलिए, अपना काम जो है वो पूरा करिए, जो आपको होमवर्क दिया वो भी करिए, इसके अलावा खुद से प्रैक्टिस भी करिए, नॉट ओनली इन माय सब्जेक्ट्स, सभी सब्जेक्ट्स में करिए। तो जो सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी से चलता रहेगा बेटा, उसके लिए ये सक्सेसफुल पीरियड है, और बाकी जो बेटा सो कॉल्ड लिथार्जिक पर्संस हैं, उनको पिछाड़ने का मौका है, वो पीछे रह जाएंगे अपने आप। तो आपके लिए सिंपल सुजेशन है बेटा, मेहनत करिए अच्छी तरह से, ठीक है। मैंने अगर 4 questions करके दिए या 6 questions या 10 questions करके दिए, तो आप कम से कम बेटा 30 questions और कर लो उसके जैसे। टीचर हैज टू गाइड, मैंने फॉर्मूले वगैरह बता दिए कैसे करिए, अब कोलिजंस के और क्वेश्चन सॉल्व करिए, इसके बाद नोट्स में है आपके, कुछ बुक्स में सॉल्व भी दिए हुए, तो बाकी जैसे इसका लेवल है Keep on doing, एक ही तरीका है बेटा आपके पास, करते रहना बेटा। हाँ, बुकलेट्स आपको दे दी है ताकि आप स्क्रीन पे ज्यादा टाइम ना बिताएं, क्योंकि सारा दिन भी देखते रहना ये अच्छा नहीं है। मुझे भी कभी कभी लगता है कि शायद मैं आईज पे ज्यादा जोर डाल रहा हूँ, कोई भी प्रेजेंटेशन है, जैसे अभी ये एनिमेशन थी ना, ये तो क्वेश्चन अब 2019-2020 के रिसेंट क्वेश्चन थे, तो मेरे पास ये मासेस मोशन में नहीं थी, तो आपके लेक्चर से जस्ट पहले मैंने किया, तो मेरे लिए भी होता है कि अगर लेक्चर 1.5 घंटे का है तो मुझे उसके पहले 1.5 से 2 घंटे और उस पर लगाने पड़ जाते हैं, ताकि जो प्रोसेस है वो अच्छी तरह से आपके सामने आ जाए। हाँ, ये बोर्ड पे अगर मैं करता तो ये मासेस ने मूव नहीं करना था, इकट्ठे नहीं होना था, तो थोड़ा समझाना टफ हो जाता है बोर्ड पे, और क्वेश्चन बोर्ड पे आपके सामने नहीं रहता, क्वेश्चन भी सामने है, डायग्राम भी सामने है। सो डिपेंड्स के किस दिन लेक्चर कैसा है, किसी किस दिन बीच में बेटा एक्सपेरिमेंट भी डालने पड़ते हैं, मैं आउटडोर भी होता हूँ, वो तो वीडियो की फॉर्म ही आएगा यूट्यूब पे। हाँ, जिस दिन काम जो है वो बोर्ड पे करने वाला है सारा, उस दिन लेक्चर जो है व्हाइट बोर्ड पे करते हैं। चलिए, अच्छा अब मेरा सजेशन आप समझ गए होंगे, हाउ टू Make yourself distinguished from the crowd. Crowd समझते हैं ना? Crowd से आप अलग कैसे दिखेंगे? तो उसका बेटा जो सिंपल तरीका है,
जिसने नहीं की बेटा वो खता खाएगा। और कई बच्चे तो अभी ऐसे हैं जो अभी कोचिंग ढूंढ रहे हैं कि हमें कहाँ ज्वाइन करना है, ऐसे वाले केस में, जबकि सिलेबस मान के चलो कि ऑलमोस्ट ना 45% खत्म हो चुका है, 45% खत्म हो चुका है। चलिए आप जो ज्वाइन करेंगे, हाँ उनको शायद अगर आईक्यू लेवल अच्छा होगा समझ आ जाए ठीक, लेकिन सभी के बस का काम नहीं है। इतना सीखेंगे, वेक्टर भी सीखने हैं, प्रोजेक्टाइल भी सीखना है, क्या क्या करेंगे, पॉसिबल नहीं है सारा कुछ। सो यू आर लकी कि आप टाइम पे स्टार्ट हुए हैं, बट उस लक को बेटा बैड लक मत बनाइए। सो कीप राइटिंग बेटा, मैं रिपीटेडली बोल रहा हूँ, क्योंकि ये जो ऑनलाइन क्लासेस है इनमें मुझे दिखता नहीं है कि बच्चे ने क्या किया। सो यू हैव टू एक्ट रिस्पॉन्सिबली फॉर योर गुड फ्यूचर, दैट इज माई वर्डिक्ट। इसके बिना बेटा पॉसिबल नहीं होगा। तो लिखना बहुत जरूरी है ये क्वेश्चन, जैसे अभी किया ना, इसको एक बार फिर से दोबारा अपने आप भी करके देखिए कि जब टीचर के बिना हम निकालते हैं तो निकलता है। चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये पहले आप ट्राई करिए जरा, मैं आपको बस एक हिंट दे देता हूं, पहले खुद ट्राई करिए। एक हमने कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन पढ़ा था, ई कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ये था रेशियो ऑफ फाइनल रिलेटिव वेलोसिटी वी टू माइनस वी वन इज टू इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी यू वन माइनस यू। ये भी साथ में यूज करना है। बस इतना ही मुझे बताना है, बाकी आगे अपने ट्राई करिए कि कॉफिशिएंट रेस्टिट्यूशन जो है वो कितना आता है। कैरी ऑन योर सेल्फ, होना चाहिए क्वेश्चन आराम से, इजी क्वेश्चन है, अपने आप करना शुरू करिए। अंकिता सिंह बेटा, आज का सेशन ना यूट्यूब पे अपलोड नहीं होना, नहीं हो जाएगा, वो बाय डिफॉल्ट रिकॉर्डिंग में था, पहले कभी डाल दिया होगा, रिकॉर्ड हो रहा है लेक्चर, मैं डाल दूंगा यूट्यूब पे डाल दूंगा। हाँ लेकिन ये गारंटी नहीं है कि हर लेक्चर यूट्यूब पे आएगा, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। ये तो मैं देख रहा हूँ कि रेड निशान आ रहा है ऊपर, रिकॉर्डिंग में है, ये वाला डल जाएगा बेटा। हाँ बेटे, हर लेक्चर रिकॉर्ड करना पॉसिबल नहीं होगा मेरे लिए, कई बार मोबाइल पे होता हूँ उस पर बिल्कुल रिकॉर्ड नहीं होता, कंप्यूटर पे भी स्पेस की प्रॉब्लम्स है, स्पेस इज एन इशू, उतने मेमोरी खाली नहीं मिलती बेटा, हालांकि 1 TB क्या फिर भी भरा रहता है बेटा, बुरी हालत है। आशीष सिंह ने निकाला है, अंकिता सिंह ने भी निकाल दिया, ठीक आंसर आ रहा है बेटा, गुड है। हाँ जी सिमरन बेटा, बुकलेट नहीं है तो बुकलेट के लिए ना अभी आजकल सेंटर खुल रहा है शाम को 5:30 to 6:30 तक, चंडीगढ़ सेंटर मेंटर्स वाला, 5:30 to 6:30 तक खुलता है, तो जिनका बुकलेट नहीं ली जिन्होंने वो कलेक्ट कर सकते हैं, 5:30 to 6:30 मैंने बोल दिया बेटा, 5:30 to 6:30 PM ठीक है। अंकिका चटर्जी का सही है, हर्षप्रीत का ठीक है, तरनदीप का ठीक है, बहुत अच्छा। एवरीडे ओपन नहीं है, ना ना एवरीडे ओपन नहीं है, कल ओपन है 5:30 to 6:30। हाँ जी हर जस्ट ठीक है बेटा, आपका आंसर करेक्ट है, बहुत सारे बच्चों ने निकाल दिया है।
देखो क्या करना था, सिंपल है बिल्कुल क्वेश्चन। एक ब्लॉक था जिसका मास था m, वो एक स्टेशनरी मास 4m से कोलाइड करता है। एक मास था स्मॉल m, वो 4m से आके कोलाइड कर गया। मैंने पैनल गलत चूज कर लिया। m मास 4m से कोलाइड करता है। इनिशियल वेलोसिटी m की थी v, और बाद में m जो है वो रेस्ट पे आ गया, लेकिन मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा। तो फिर 4m को एक ऐसी स्पीड से चलना पड़ेगा ताकि मोमेंटम पहले जैसा हो जाए। तो पहले मोमेंटम था एम वी, 4m का था 0, बाद में लाइटर मास रुक गया, इसका 0 हो गया, और इसका मोमेंटम हो गया 4m इंटू वी डैश। तो पहले हमने वी डैश निकाला कि क्या आता है। वी डैश इक्वल टू एम वी अपॉन 4m। तो जो नई वेलोसिटी है ना, वो पुरानी वेलोसिटी का 1/4 रह गई। बस अब ई का वैल्यू निकालना है। तो ई है वी टू, वी टू मतलब वी डैश मतलब वी बाय 4 माइनस वी वन, इसकी वेलोसिटी हो गई बेटा 0, डिवाइड बाय यू वन, इसकी वेलोसिटी थी यू वन, यू वन यानी था वी, और माइनस यू टू, इसकी वेलोसिटी थी 0। वी से वी कैंसल, आंसर इज 1/4 या 0.25 कोफिशिएंट रेस्टिट्यूशन। चलिए जिनका नहीं हो, मेरा नोट डाउन कर लो एक बार फटाफट जरा। हाँ वॉइस अभी रुका हुआ है बेटा, एक बार बच्चे नोट डाउन कर लें। चलिए बेटा बुकलेट खोलिए, बुकलेट ओपन कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 7 करना है बेटा। बुकलेट में क्वेश्चन नंबर 7, कैरी ऑन योर सेल्फ।
हाँ जी हाँ बेटा, क्वेश्चन मैंने डिस्प्ले कर दिया है मधु बेटा। हाँ जी अंकिता सिंह बेटा, आपका आंसर ठीक है बेटा, करेक्ट आंसर। एक कोलिजन इलास्टिक ए की बी के साथ, और बी ने फिर सी के साथ कोलाइड करना है परफेक्टली इन इलास्टिक। पहला कोलिजन इलास्टिक है, दूसरा इन इलास्टिक। इलास्टिक कोलिजन के फॉर्मूले किए हुए हमने, लास्ट जो डेरिवेशन की थी हमने वन डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन। नहीं विश्वजीत गलत हो गया आंसर। हरजस का आंसर ठीक है, करेक्ट। प्रतिष्ठा नेगी, प्रतिष्ठा बेटा आपने ऑप्शन लिखा है कि आंसर लिखा है? जब ऑप्शन लिखना है तो उसको ब्रैकेट में डाल देना। हाँ जी प्रतिष्ठा ठीक है बेटा, सही है, करेक्ट है बेटा। कीर्ति सिंगाल का भी ठीक है। पहला कोलिजन इलास्टिक, इलास्टिक में हमने वी टू वाला फॉर्मूला लगाना है कि मास जो है बी वो कितनी स्पीड से निकलेगी। अभिजीत मेरा ठीक है, आपका भी, आशीष का भी ठीक है, बहुत अच्छे, अंकिका चैटर्जी का ठीक है, हर्षप्रीत का ठीक है। सुब्बलक्ष्मी ने भी सी ठीक निकाला बेटा, सही है, करेक्ट सभी का बेटा। चलिए मैं क्विकली बता भी देता हूँ क्या करना था इसमें। इसमें बेटा जो बी मास है ना, इसकी वेलोसिटी क्या होगी, उसके लिए फॉर्मूला था वी टू इक्वल टू टू एम वन यू वन प्लस नीचे डिवाइड बाय एम वन प्लस एम टू। वैसे अगर सेकंड मास भी मोशन में होता तो एक और टर्म आती है यहाँ पे, दैट वाज एम टू माइनस एम वन डिवाइड बाय एम वन प्लस एम टू इंटू यू टू। बेटा ये भी था वैसे तो, बट टारगेट मास रेस्ट पे थी, बी मास जीरो वेलोसिटी पे थी तो ये वाला टर्म नहीं आया। तो डायरेक्टली जो वी वन वी टू निकाले थे हमने, उसमें वी टू का फॉर्मूला विद यू टू इक्वल टू जीरो कर दिया। अब सेकेंड मास अपनी है टू एम, टू एम फर्स्ट मास था एम, और ट्वाइस फर्स्ट मास इंटू उसकी वेलोसिटी हमें दी थी 9 मीटर पर सेकेंड। तो ये 18 मीटर हो, 18 m आ गया था, नीचे 3 m आया कैंसिल करके बेटा 6। तो ये जो 2m मास था ना, इसको वेलोसिटी मिलनी थी 6 मीटर पर सेकेंड। 2m को वेलोसिटी मिलेगी 6 मीटर पर सेकेंड। चलो ये 2m की स्पीड आ गई बेटा। अच्छा अब पॉइंट इज, ये जो 2m है जो कि 6 की स्पीड से जा रहा था, इसको आगे m के साथ कोलाइड करना है इन इलास्टिकली। जैसा आपको बताया कि इन इलास्टिक में बेटा काइनेटिक एनर्जी वगैरह तो कंजर्व नहीं होती, उसमें सिर्फ मोमेंटम कंजर्व होता है। तो इसका 2m का मोमेंटम था पहले 2m इंटू वेलोसिटी 6, बाद में ये दोनों मास इकट्ठे हो गए, दोनों मास इकट्ठे हो गए तो टोटल मास हो गया 3m। तो 3m अगर नई वेलोसिटी v3 से जाता है, 3m अगर वेलोसिटी v3 से जाता है, ये टोटल एक ही मास बन जाएगा,
तो ये नया मोमेंटम और ये पुराना मोमेंटम 2m का, मेरा 2m की बात हो रही है, 2m का मोमेंटम था 2m इनटू वेलोसिटी जो कि 6 हो गई अब। तो ये था इनिशियल मोमेंटम और जुड़ने के बाद दोनों का कंबाइंड मोमेंटम भी सेम ही आना चाहिए। m कैंसिल कर दो, 3 से डिवाइड कर, 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो वेलोसिटी इज 4 मीटर पर सेकेंड। अभी भी किसी को डाउट है मैं दोबारा समझा दूंगा बेटा। हाँ जी रिपीट करें, रिपीट। ओके देखो सबसे पहले क्वेश्चन का फुली एनालिसिस करना है कि क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, कोलिजन कैसा है, इलास्टिक है, इनइलास्टिक। तो ए बी सी ऑब्जेक्ट जो है वो फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे है, मासेस है m, 2m एंड m। ए ऑब्जेक्ट बी की तरफ चलता है विद स्पीड 9 मीटर पर सेकेंड और वो इलास्टिक इलास्टिकली कोलाइड करता है बी के साथ। बी को जो भी वेलोसिटी मिल गई उसने फिर कंप्लीटली इन इलास्टिक कोलिजन करना सी के साथ। तो पहला कोलिजन इलास्टिक, दूसरा कोलिजन इन इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक। इलास्टिक में बेटा v2 यानी मास b को कितनी वेलोसिटी मिलेगी उसका फॉर्मूला था पूरा 2m1u1 upon m1 plus m2 plus m2 minus m1 over m1 plus m2 into velocity of b, शुरू में जो थी, बट b रेस्ट पे था इसलिए हमने ये वाला टर्म तो लिया नहीं, इसी की बात करेंगे। तो m1 अपना था m और m2 था 2m और मास m की वेलोसिटी थी 9 मीटर पर सेकेंड। तो हमने निकाल लिया इसको सॉल्व करके कि b जो मास है उसको कितनी वेलोसिटी मिली, राइट हैंड साइड को पॉजिटिव आ रहा ना आंसर x, मतलब राइट हैंड साइड। अब इसने कोलाइड करना है स्मॉल m के साथ परफेक्टली इनलास्टिक। परफेक्टली इनलास्टिक कोलिजन में बेटा मोमेंटम तो कंजर्व होगा, काइनेटिक एनर्जी वगैरह का पंगा नहीं पड़ेगा, वो तो कम हो जाएगा, मोमेंटम सेम रहेगा। तो इस 2m मास का मोमेंटम बना था 2m इनटू इसकी वेलोसिटी 6 थी और जब ये दोनों इकट्ठे हो जाएंगे तो एक ही स्पीड से चलेंगे, वो वेलोसिटी है v3। तो 2m इनटू v3 नया मोमेंटम इन दोनों का इकट्ठा इक्वल टू, पहले इसका 0 था बेटा, इसका था 2m इनटू 6। इसको बस सॉल्व करो, mm कैंसिल और v3 निकाल। हाँ जी होप कि अब किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। हाँ जी आंसर इज 4, ठीक है क्लियर हो गया। चलिए एक क्वेश्चन आपको मैं और करवाऊंगा, अभी इसके लिए आप जाएंगे क्वेश्चन नंबर। बेटा आप आइए अब क्वेश्चन नंबर 56 बेटा, क्वेश्चन नंबर 56। हाँ जी मधु बेटा आपके लिए क्वेश्चन मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ, अभी आ जाएगा स्क्रीन। क्वेश्चन इज कमिंग टू योर स्क्रीन।
मास एम वेलोसिटी 2v से जा रही थी और एक और मास 2m वो वेलोसिटी v से आ रहा था वाई एक्सिस के अलोंग। फिर ये दोनों का बेटा परफेक्टली इनलास्टिक कोलिजन हुआ और ये मास बन गया 3m। तो इस कोलिजन में कितने परसेंट काइनेटिक एनर्जी का लॉस हुआ? तो बेटा इनलास्टिक कोलिजन हो तो उसमें मोमेंटम को कंजर्व करना पड़ता है बेटा। मैंने आपको बताया मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इनिशियल मोमेंटम बेटा एक तो था एक्स एक्सिस के अलोंग m इंटू 2v यानी 2mv, एक वाई एक्सिस के अलोंग था दैट वाज आल्सो इक्वल टू 2m इंटू v। ये 2m इंटू v है और ये भी 2m इंटू v है और वेक्टर को बेटा वेक्टर एडिशन से ऐड करना होता है। दो वेक्टर अगर राइट एंगल पे हो तो उनका रिजल्टेंट निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम याद आ गया। तो ये कंबाइंड मोमेंटम आएगा बेटा 2mv का स्क्वायर प्लस 2mv स्क्वायर स्क्वायर। वैसे ये बेसिकली एक स्क्वायर है, स्क्वायर का ना डायगोनल आपको पता है रूट टू टाइम्स होता है ना, तो मैं सीधा लिख रहा हूँ रूट टू टाइम्स 2mv। ये हो गया मोमेंटम बिफोर कोलिजन और इतना ही मोमेंटम हमें आफ्टर कोलिजन भी चाहिए। तो आफ्टर कोलिजन मास होगी 3m और नई वेलोसिटी होगी लेटर से v डैश। तो v डैश का वैल्यू निकालिए, v डैश आएगा इक्वल टू m से m करो कैंसल, ये आएगा 2√2/3। ये बेटा नई वेलोसिटी है जो कंबाइंड मास की बनेगी। वैसे इसका डायरेक्शन ना इधर को, जो ये एक मास बन जाएगा वो जिधर को पुराना मोमेंटम था बेटा मोमेंटम तो उधर को ही रहना है। अब ये कंबाइंड मास ऐसे जाएगा जिसकी वेलोसिटी हमने निकाल ली है 2√2/3। चलो अब बात रही कि कितने परसेंट चेंज होगी काइनेटिक एनर्जी। तो पुरानी काइनेटिक एनर्जी थी इस मास की स्मॉल एम की हाफ एम इंटू 2v स्क्वायर और 2m मास की काइनेटिक एनर्जी थी हाफ 2m इंटू v स्क्वायर जो कि बनेगी बेटा, ये तो बनेगी आपकी 2mv स्क्वायर और ये बनेगी ओनली एमवी स्क्वायर। तो ये थी आपकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 3mv स्क्वायर। अब मैं फाइनल एनर्जी की बात भी कर दूं बेटा, फाइनल अपना मास है 3m और अपनी फाइनल वेलोसिटी है ये, इसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा 4√2/9। 2 से 2 कैंसिल, अच्छा v भी था एक साथ में, v छोड़ दिया मैंने, v स्क्वायर 2 से 2 कैंसिल और ये भी कैंसिल ना 3 पे, तो 8/3mv स्क्वायर है फाइनल काइनेटिक एनर्जी। ये फाइनल आ गई बेटा, बी केयरफुल, और इनिशियल थी 3mv स्क्वायर। अब मैं यहाँ पे लेफ्ट पे करने जा रहा हूँ कि परसेंट चेंज कैसे निकालना होता है। परसेंट चेंज कई बार बता चुका पहले भी, परसेंट चेंज जब भी निकालना है देन इट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय ओरिजिनल इनटू 100। ऐसे करना है, परसेंट ऐसे निकालना पड़ता है हमेशा। तो बेटा काइनेटिक एनर्जी ना कम हुई है तो पुराने वाली ज्यादा होगी, नई वाली कम होगी। 3mv स्क्वायर में से, 3mv स्क्वायर में 8/3mv स्क्वायर माइनस करना
आगे आपके लिए छोड़ रहा हूं सॉल्व करने के लिए। और उसको डिवाइड करना पुरानी काइनेटिक एनर्जी यानी कि 3 mv², चेंज डिवाइड बाय ओरिजिनल इनटू 100, इसको सॉल्व कर देना बेटा, बाकी आपके लिए छोड़ रहा हूं, आगे अपने आप करोगे। चलिए कुछ बच्चों ने आंसर दे दिया है, देखते हैं क्या आंसर। ठीक है बेटा, अंकिता सिंह का सही है, आशीष का ठीक है, हाँ जी, बाकी भी बेटा कैरी ऑन एक बार जरा। हाँ, इसमें नया पॉइंट ये आ गया कि इसमें इस बार ना मोमेंटम एक्स और वाई एक्सिस के लॉन्ग था, तो मोमेंटम बीइंग अ वेक्टर क्वांटिटी हमें वेक्टर एडिशन से नया मोमेंटम और पुराना मोमेंटम इक्वेट करना। तो दो वेक्टर अगर राइट एंगल पे होंगे तो उनका रिजल्टेंट होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर स्क्वायर। तो इन दोनों का स्क्वायर करके रूट लेंगे या फिर स्क्वायर है बेसिकली ये डायगोनल का साइज निकालेंगे तो वो रूट टाइम रूट टू टाइम्स हो जाता है, रूट टू टाइम्स। और जितना मोमेंटम बेटा इन दोनों का कंबाइंड था पहले, उतना ये जो नया मास बन जाएगा जुड़ने पे, 2m और m जुड़ेंगे तो 3m बन जाएगा मास, तो 3m मास का मोमेंटम भी वही होना चाहिए। तो यहां से हमने वेलोसिटी निकाल ली कि 3m की वेलोसिटी क्या, पहले काइनेटिक एनर्जी इन दोनों की थी, मैंने दोनों का टोटल कर लिया 3mv² आ गया। फिर इसकी अकेले की काइनेटिक एनर्जी जब सिंगल मास बन गया तो हाफ मास 3m, और ये जो वेलोसिटी आई उसका स्क्वायर करना था 2 का स्क्वायर 4, रूट 2 का स्क्वायर 2, 3 का स्क्वायर 9, एक 3 और 9 कैंसिल हो जाएंगे, तो ये अच्छा एक यहाँ पे ना 4 आना था ना, मैंने 8 लिख दिया, 4 करेक्शन कर देते, यहाँ पे 2 2 तो कैंसिल हो गया था, 4/3 mv² ठीक कर देना बेटा, यहाँ भी 4/3 करेंगे फिर लेफ्ट हैंड साइड पे, बस बाकी सॉल्व करिए बेटा। चलो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए एक जरा, इसका एक स्क्रीनशॉट। चलिए नाउ टाइम टू क्लोज।